स्टार्टिंग में बहुत हार्ड था मेरे लिए, कहता बहुत ज्यादा हार्ड, यू हैव टू सैक्रिफाइस विद लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैंने वो फेज देखा है जिस टाइम एक टाइम का खाना भी यहाँ पे कैसे खाया कैसे नहीं खाया, कमरे के अंदर अंदर पड़े रेस्टोरेंट पीस हो गए उनका, तो मेरे को ऐसा लगता था और सुनने में भी पहले से आया था कि बाहर जाते हैं ना तो कुछ अपने आप ऐसा हो जाता है जिससे बंदे ना अमीर हो जाते हैं। 2 सालों में तो एक साइकिल ही जोड़ी थी, विंडसर से मेरे को ब्रैम्पटन आना था, एट दैट टाइम मेरे पास वापस आने के $40-50 भी नहीं थे। फिर चीज़ें ऐसे चेंज हुई, वहाँ से पासा पड़ गया, जैसे वेल्डिंग में गया मैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो टुडे व्लॉग इज लाइक लिटरली टू मच स्पेशल, इट्स बीन लाइक 3 ईयर इन कैनेडा नाउ, और पता नहीं कि 3 साल ऐसे भी निकल गए, और इट्स वेरी हार्ड कि हाँ 3 साल बड़े हार्ड निकले। सो आज मैं अपना 3 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, ऑल अप एंड डाउन, व्हाट आई फेस, व्हाट आई एक्सपीरियंस, इट इज़ वर्थ इट और नॉट फॉर मी, लाइक मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लाइक कैनेडा मेरे को कैसे फिट बैठा, सूट बैठा और नहीं बैठा, वट एवर। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ, आई थिंक 3 जुलाई 2021 इंडिया से मैं फ्लाइट लेके कैनेडा आया था, और लाइक ऑनेस्टली कि लाइक पहले कभी कमाने की जरूरत नहीं थी, खाना रोटी वगैरह सब पहले ही मिल जाता था, तो कभी काम किया नहीं था, तो उन सारी चीज़ों का पता नहीं था। जैसे ही कनाडा लैंड हुए, सो सबसे पहले लगी भूख, पैसे लिमिटेड थे तो पैसे लगे, जैसे जैसे पैसे ख़त्म हुए तो यहाँ के पता चला कमाना भी बढ़ता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ओ, जीने के लिए कमाना ज़रूरी है, खाने के लिए तो कमाना पड़ता है, पैसे कहाँ मांगे। सो दैट वॉज लाइक एक मोमेंट था जिस टाइम ये रियलाइज हुआ कि हाँ कि लाइफ में अब लाइक उससे पहले ये नहीं पता था कि लाइक चीज़ें समझो, एक प्रोसेस होता है ना कि एक बंदे को काम करना पड़ता है इन सारी चीज़ों के लिए। तो मेरे को सभी बच्चों को खाना मोटरसाइकिल घूमना वो सब सब कुछ पहले ही मिल जाता तो बंदा कहाँ जाए काम करे। सो आया तो इस बात की समझ आई कि ओहो कमाना भी पड़ता है। लिटरली मेरा कोई कनाडा आने का प्लान तो था नहीं, दैट वॉज माई सडन प्लान। सो मेरे कोई ड्रीम्स इतने खास नहीं जुड़े थे कनाडा से, मैं इतना कनेक्टेड नहीं था फॉरन वेस्टर्न कल्चर से कि मेरे को यहाँ की नॉलेज होगी हाउ थिंग्स और यहाँ कैसे काम चलता है, कैसे बंदे काम करते हैं। सो मैं इन सारी चीज़ों से परे था। सो आया, पैसे ख़त्म हुए, काम वो भाई काम करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा रोटी के लिए। सो वो फेज था भाई, बड़ी हार्श रियलिटी थी, ओ भाई काम करना पड़ेगा, आज तक तो किया नहीं, काम पे गए वो किसी के अंदर काम करना, दैट इज़ लाइक ओ भाई बहुत मुश्किल है किसी के अंदर रह के काम करना, है ना नीचे रह के काम करना, इंडिया में तो कभी किया नहीं। सो लाइक फॉर मी जब मैंने फर्स्ट टाइम काम किया, दैट वॉज वेरी हार्ड, पहले 4 घंटे काम किया, वो भाई घड़ी की तरफ देख रहे हैं कि कब टाइम बीते। सो ये था, और फिर वही जो सभी बच्चे फेस करते हैं, लाइक मेंटल प्रेशर, मेंटल इमोशनल चैलेंजेस, फाइनेंस वगैरह है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो आते ही अरे भाई पैसे लिमिटेड हैं, अब घर वालों से पैसे नहीं मांग सकते, तो लाइक एक फाइनेंशियली दौर भी था। ड्यूरिंग माई स्टडी आई वेंट थ्रू रियली बैड शिट, हर एक स्टूडेंट जाता है। सो मैं भी बहुत लाइक बुरी कंडीशन से गया, आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन डिटेल, बट हाँ दैट वॉज लाइक वेरी 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 हार्ड टाइम फॉर मी। अगर मैं फाइनेंशियली सिचुएशन की बात करूँ, वो भी मेरे को लाइक फेस करना पड़ा, इवन दो दैट टाइम वॉज वेरी वेरी बैड, जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, एट दैट टाइम आई डिडंट हैड एनी जॉब। सो कैसे बंदा अपना गुजारा कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, दैट वॉज लाइक लिटरली वेरी वेरी बैड टाइम काइंड ऑफ हेल्थ फॉर मी। अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूँ तो हाँ वो बहुत हार्ड टाइम गया मेरे ऊपर, दैट वॉज वेरी वेरी हार्ड टाइम, बट हाँ ओवरऑल मेरे को है ना फाइनेंस मैनेज करने आए, लाइक ठीक है फाइनेंस मैनेज करने आए, जब कमाता है बंदा तब तो मैनेज करेगा, जब काम नहीं है तो क्या मैनेज करेगा।
उसके बाद जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, उस टाइम मेरे को असली मतलब पता चला कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और लाइक मेंटल स्ट्रेस इन एक्चुअल में किसको कहते हैं। बिकॉज अगर आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, सो यू हैव टू सेक्रीफाइस विद लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने बहुत सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस किया, बहुत बेसिक चीज़ों से, बहुत कॉमन चीज़ों से। दैट वाज लाइक कुछ चीज़ें बहुत नेसेसिटी होती हैं ना, जैसे खाना पीना। आई हैड टू, क्योंकि कुछ एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। वी हैव टू लाइक हमें वो चीज़ें फेस करनी चाहिए, करनी पड़ती हैं। अगर मैं उस चीज़ों से डर के मैं घर पे फोन कर दूँ कि हाँ मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को पैसे चाहिए, मैं अपने बेसिक चीज़ें नहीं पूरा पा रहा, सो दैट मतलब कर सकते हैं, बट मैंने वो नहीं चुना। सो जितना मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ हो पाया मैंने किया, बहुत बुरा किया। बट नाउ एवरीथिंग इज गुड। सो ड्यूरिंग माई स्टडी लाइक मेरा सबसे हार्ड टाइम रहा है ड्यूरिंग माई स्टडी, सबसे हार्ड। फाइनेंशियली कह लो, मेंटली कह लो, और इमोशनली भी एक एक फैक्टर इमोशन का भी आता है। इमोशन स्टेबिलिटी है ना बंदे की नहीं रहती, क्योंकि मैं कभी इंडिया में अपने घर वालों से अलग नहीं रहा। सो लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन कल्चर में अलग नहीं रहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर में। सो मैं तो इवन दो ज़्यादा नहीं रहता, मतलब फालतू कहीं बाहर गया नहीं। शायद जब छोटा होता था तो नानों भी चला गया दो चार बार, दैट्स इट। सो जब घर से बाहर आए, इंडिया छोड़ के आए, तो यहाँ भाई खाना भी बनाना पड़ता है। ओ वाह, क्या इसका तो पता था कि वहाँ खाना बनाना पड़ेगा, बट अगर बंदा बीमार हो जाए तो यहाँ कोई भी नहीं है आपकी टेक केयर के लिए। आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। लाइक एक दो सिनेरियो में तो बंदे कमरे के अंदर अंदर पड़े, रेस्ट इन पीस हो गए, उनका हफ्ते हफ्ते बाद पता चलता है। लाइक दैट इज वेरी रेयर सिनेरियो। बट हाँ, आप सबको प्रिपेयर होके आना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो मैं प्रिपेयर था, बट जब रियलिटी हिट करती है देन लाइक सिचुएशंस आर डिफरेंट, फिर आपके रिएक्शन रिएक्शन डिफरेंट होते हैं। स्टार्टिंग में बहुत हार्ड था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड, लाइक कि बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड। मैं बता नहीं सकता कि हर चीज़ें मेरे को लाइक टोटली डिफरेंट लगी। लाइक मैं आया, मेरे को मेरा मेरा माइंड सेट ऐसा था कि जैसे बंदे कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, है ना। सो वहाँ जाके कुछ ऐसा जादू है, ऑनेस्टली, ठीक है, मैं अपनी मतलब बहुत ही रियल वो बात शेयर कर रहा हूँ। सो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि बाहर जाते हैं, वीजे होते हैं, क्या करते हैं, नहीं, मेरे को नहीं पता था। जब मैं इस चक्कर में पड़ा, लाइक मेरा हुआ सिस्टम डन, तो मेरा बहुत ही सडन था, कोई ऐसा प्लान भी नहीं था, और सब कुछ सडन बड़ी क्विकली हो गया। तो मेरे को उस टाइम मैंने एक दो पेज फॉलो किया जिसमें बच्चे रैंगलर लेके चला रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगता था और सुनने में भी पहले से आया था कि बाहर जाते हैं ना तो कुछ अपने आप ऐसा हो जाता है जिससे बंदे ना अमीर हो जाते हैं। एक बार बस कंट्री से आउट गए ना तो अमीर हो जाते हैं। कि मेरे को इतनी भी बेसिक नॉलेज नहीं थी कि उधर जाके काम करना पड़ता है, बस मेरे को ये पता था बंदा बाहर चला गया वो अमीर है, कैसे क्यों काम ये तो पता नहीं था। तो जब मैं आया तो वही है ना, सबसे पहले आते तो भूख लगी तो खाना घर पे तो मम्मी देती थी, यहाँ घूमने यहाँ खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे तो बहुत है ही नहीं, जेब खत्म हो गई पैसे, अब पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। तो जब ये बेसिक सा फंडा दिमाग में हिट गया ना, वो भाई ऐसे घर चलता है, ऐसी जिंदगी चलती है। सो लाइक ये सही था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, है ना, सही था। तो फिर काम गए, काम पे वो सब है ना, रियलिटी बंदा फेस करता है, जब कैश जॉब लेबर जॉब करता है बंदा, कैसे कैसे यहाँ सब कुछ फेस करना पड़ता है। वो भी था, वो भी कभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बहुत बहुत हार्ड था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। अकेले रहना, खाना बनाना, पैसों का, इमोशनल ये वो। और लाइक जब मैं यहाँ था तो मेरे नानी एक्सपायर हो गए थे, सो वो टाइम भी बड़ा हार्ड था। मेरे पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, उनके कुछ हो जाता है, देन लाइक कुछ भी नहीं कर पाता मैं, क्या करूँ उनके लिए वहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें ओवरऑल है, थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं यहाँ के, बिकॉज
मेरे हिसाब से जो मेरे मैंने फील की है। अब आते हैं गुड पॉइंट्स की तरफ कनाडा के। हाँ ऑनेस्टली द बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ इज दैट लाइक कि मैंने बाहर फॉरेन कंट्री में ना चूज किया। वो क्यों? क्योंकि मेरे को खुद करके खाना आ गया, ठीक है, चीज़ों को सोचना समझना, लाइक कह सकते हैं दुनिया की समझ लग गई। अगर मैं इंडिया में रहता तो शायद ये चीज़ें 4 से 5 साल बाद सीख पाता, बट मैं कनाडा आ गया भाई, फटकारा लगा मुँह पे, कमा फर्क, लोड बड़ी मांग, लोड बड़ी किसी को दे, दुनियादारी में घुस, तो लाइक सब कुछ जल्दी से सीख गए ठीक टाइम पे अपने पैरों पे। भाई जो कुछ हुआ खुद ही संभाल रहा है, किसी के मारे लगे, पैसे मिले नहीं मिले, किसी को उधारे दिए, मट्टी लगे, सो जो कुछ भी था अकेले फेस करना, क्योंकि हम फैमिली का तो बताते नहीं है, उनको हमेशा गुड फॉर्चून शो करते हैं। सो गुड पॉइंट और ये भी था कि लाइक बंदा फोकस हो जाता है ना। मैं यहाँ आया, बड़ा फोकस था कि तो जैसे यहाँ आया मैं, अब खाना पीना नहीं है तो उसके लिए भागे, तो बेसिक नीड्स के लिए भागते 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 बेसिक नीड्स तो पूरी होगी, बट मैं उसके साथ फोकस भी हो गया कि हाँ काम करना और अच्छी चीज़ों के लिए भी। और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लाइक यंग एज में ही अपना कुछ ना कुछ कमा के खा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि इस एज में अगर अपना करके अपने को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट्स गुड। एक वीडियो बनाऊंगा मैं आके कनाडा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, जिसमें हम जो सोच के आते हैं और जैसा वीडियोस फोटोज में कनाडा दिखता है बाहर से वैसा नहीं है, तो दैट हर्ट्स अ लॉट। हाँ ये तो रह गया, जब मैं कनाडा आया मैंने सोचा रैंगलर चलाऊंगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आए तो चीज़ें पता चली, 2 सालों में तो एक साइकिल ही जोड़ी थी, है ना, एक जो $300-400 की मैंने वॉलमार्ट से साइकिल ली थी वो ही जुड़ी, तो रियलिटी कुछ और ही थी और एक्सपेक्टेशन मेरी कुछ और थी। बट हाँ जैसे मेरी स्टडी पूरी हुई और जैसे मैं वर्क परमिट पे आया, सो लाइक चीज ऐसे ड्रास्टिक चेंज हुई। क्यों? क्योंकि जब मैं ब्रांड, क्योंकि मेरी स्टडी थी मिडसर में, वहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं होती है ना, मतलब मेरे को वहाँ जॉब नहीं मिली, मेरे क्लास में बहुत बच्चे थे सबको भी नहीं मिली, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको मिली, आई एम वन ऑफ देम, जिनको जॉब नहीं मिली। सो जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो मेरा बहुत स्ट्रगल वाला है फेस था, मेरे पास पैसे नहीं थे ये वो, तो यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है लाइक अम्बाला से जैसे दिल्ली है, तो मेरे को वापिस आना था क्योंकि उधर काम नहीं होता ना इतना, तो विंडसर से मेरे को ब्रैम्पटन आना था। एट दैट टाइम मेरे पास वापिस आने के $40-50 भी नहीं थे, और मैंने यहाँ तक किसी से पैसे मांगे ही नहीं है क्योंकि मांगने की आदत नहीं है और मैं मांगूंगा भी नहीं। सो और मैं बड़ा इंट्रोवर्ड क्या था, मैं बाहर ही नहीं जाता उस टाइम, मैं कभी बाहर ही नहीं गया कुछ घूमने फिरने सब, क्योंकि पैसे नहीं है, पैसे नहीं बाहर जाएगा तो पता खर्चा होगा, बाहर जाना है क्यों, पहली बेसिक नेसेसिटीज नहीं पूरी हो रही, बाहर क्यों जाएगा। ये भी डरते थे कि बस के $3.50 ना लग जाए। सो विंडसर से ब्रैंड करना था, उसके भी पैसे नहीं थे, और यहाँ शायद क्या था, तो भाई एट नाइन हमेशा घर वाले ही साथ देते हैं, तो मैंने घर वालों को फोन किया, मैं कह ऐसा है मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं वापिस जा रहा हूँ ब्रैंटन, मेरे को थोड़ा सा पैसे चाहिए तो मैं आपके लौटा दूंगा, कहा था मैंने, तो घर वाले बहुत दुखी हुए, तो उनको पता चला कि इसके पास वापस जाने के भी पैसे नहीं है। सो उस टाइम मेरे पास सेफ्टी शूज के भी पैसे नहीं थे जब मैं ब्रैम्पटन आया, मैंने नहीं पता मैंने घर वालों से कितने पैसे लिए, मैं वापस आया मेरे अकाउंट में $17 बचे थे सिर्फ, जब मैं ब्रैम्पटन में था अपनी ग्रोसरी करी मैंने, 2-4 चीज़ें ली और मेरे पास बस $17 पड़े। उस $17 में मैंने ब्रैम्पटन आया, मेरे पास $17 थे, उस $17 में मैंने हफ्ता चलाया, मेरे पास सेफ्टी शूज नहीं थे, पैसे मैंने किसी से और मांगने के लिए, घर वालों को भी और दिक्कत देनी नहीं थी। सो हाँ मेरा एक दोस्त था तो मैंने उसको कॉल करके, तो मैंने मतलब अपने रूममेट्स वगैरह से पूछा, उनके जूते मेरे को आए नहीं, हफ्ते की थी बात, नए जूते लेने के पैसे नहीं थे, तो एक बंदे से पूछा और 1.5 घंटे से दो उसके पास गया जूते लेके, एक हफ्ता शिफ्ट लगाई टाइट जूतों में, अंगूठे नीले,
फिर चीजें ऐसे चेंज हुई, फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को वेल्डिंग के काम में लगवाया, वहां से पास आउट कर गया। जैसे ही वेल्डिंग में गया मैं, फुल टाइम हो गया था तो कमा रहा था, अच्छा खा पा रहा था। तो कहने का मतलब है कि वर्क परमिट पे मेरी सिचुएशन लाइक टोटली चेंज हो गई। मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज ना बहुत अच्छे से फुलफिल कर पा रहा था, और बाय गॉड ग्रेस आज मेरा ऐसा मतलब ऐसा हिसाब किताब है कि मैं 3 टाइम का जो मेरा मन करे मैं मन मर्जी का खाना खा सकता हूँ, घर के अंदर बाहर। सो दैट इज लाइक बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, मतलब अभी के आज के डेट में। इससे ज़्यादा क्योंकि मैंने वो फेस देखा है जिस टाइम 1 टाइम का खाना भी यहाँ पे कैसे खाया कैसे नहीं खाया। ओके और अब जब 3 टाइम, क्योंकि मेरे यहाँ तो खाने से ही सब कुछ, तो अब जब 3 टाइम का खाना खा सकता हूँ दैट इज़ लाइक बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। तो वर्क परमिट के बाद अभी तक के काम चेंज किया, लाइक 1.5 साल, 1 साल तक एक काम रखा तो अब दूसरा चेंज किया, मतलब अप ही हो रहा है, डाउन नहीं जा रहा। सो अभी मैं बात करूँगा लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस के सारा। ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक टोटली वर्थ इट मेरा यहाँ कैनेडा में आना। आई हाईली रिकमेंड एवरीवन लाइक फॉरेन कंट्री जाना ना जाना, आई डोंट नो, अपना घर जरूर छोड़ना, क्योंकि जो जिंदगी का फटका है ना वो जब पड़ता है सो बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। अपना घर, रोटी, घर वालों के लिए पैसे, उनके साधन, सब कुछ छोड़ के खुद से जाओ, कमाओ, करो, बहुत हार्ड हिट होएगा, पता चलेगा आपको लाइक हाउ थिंग्स वर्क, लाइक कैसे दुनिया चल रही है और कैसे हम दुनिया से बचे हुए अभी तक। बहुत ज़रूरी है और मैं सबको रिकमेंड करूँगा भाई बाहर आओ, बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत। बट आज के ज़माने में लाइक आज के टाइम में इमिग्रेशन वगैरह सिनेरियो थोड़े थोड़े से चेंज है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बेड से उठा बाहर जाना और बाहर आ गया और सब कुछ गुट हो गया, ऐसा नहीं होता। आज बाहर आना भी है तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के आना पड़ता है, क्योंकि अलग सेपरेट टॉपिक है। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप चद्दर से उठे, प्लस टू करी या आईलेट्स कर ली और बोला बाहर जाना और बाहर चले गए और आ भी गए, बट आपको बहुत टाइम लग जाएगा बेसिक चीज़ें सीखने में। सो थोड़ा यू नीड टू बी लाइक लिटिल बिट अवेयर होना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। सीरियस हो गया था मैं आता हूँ बैक टू बेसिक। सो लाइक मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा 2 साल लाइक काइंड ऑफ मैं कंपेयर करूँ तो हेल्थ एंड रियल टोटली नरक से भी बदतर था मैं कहूँ तो। उस टाइम में कुछ एक फेस ऐसा भी गया था बहुत हार्ड था, बट अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट सुपर नहीं है क्योंकि फैमिली नहीं है, ठीक है, बिन फैमिली के यहाँ किसी का मन नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता, क्योंकि हमें चाहिए, मेरे को तो चाहिए मेरी फैमिली। सो बट हाँ, फैमिली के सिवाय ठीक है, अच्छा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और चीज़ें बाकी सारी अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो है जो मन कर सकता है वो कर सकते हो आप, कोई रोक टोक नहीं, कोई करप्शन है, सब कुछ है, बट इंडिया से अलॉटमेंट। और हाँ, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत गुड था, द बेस्ट डिसीजन था मेरा कनाडा आना। हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन कि हाँ भाई, अपना घर छोड़ के कहीं जाओ बाहर काम करने या कुछ भी करने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अपनी सिटी से बाहर, घर से बाहर जाओ, बढ़िया है, अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। एंड इन फ्यूचर प्लान मेरे को भी नहीं पता क्या है, पहले बहुत थे, बट राइट नाउ आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगा इन फ्यूचर, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को नहीं पता। राइट नाउ मैं खुश हूँ, गुड हूँ, ऐश कर। सब उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। और लाइक नेक्स्ट वीडियोज में मैं ट्राई करूँगा एक वीडियो जो मेरा मन है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो के साथ आऊँगा, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, बहुत पसंद आएगी, दिल से बताऊँगा चीजें। सो अभी के लिए इजाज़त, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।